वही स्ट्रीम मैं आपके साथ शेयर करूंगी, एक नेल आर्ट जो आप इजीली आराम से 100 to 50 रुपीज़ में कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है महंगे महंगे सैलून में जाने की, ये आपको नेल सेट आराम से मीशो पे 100 to 50 रुपीज़ मिल जाएगा। इसके साथ आपको ग्लू भी फ्री मिलता है। मैंने जहाँ से ये परचेज़ किया था मैंने उसका कोड दे दूँगी, मैंने मीशो से ही परचेज़ किया था। तो आप इस सेट को परचेज़ कर लीजिएगा, इससे आप कई बार नेल आर्ट कर सकते हैं। और हमें चाहिए होगा एक नेल कटर। सबसे पहले आप अपने नेल्स को अच्छे से कट करेंगे, अपने अच्छे से, मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा बड़े नेल तो उसको थोड़े से मीडियम लेंथ में कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो ये पीछे का फाइलर होता है उसी के हेल्प से अपने नेल्स को फाइल करेंगे। मीन्स अगर हमारे नेल्स थोड़े से, अगर हम अपने नेल्स को रफ कर लेंगे तो वो, अगर हम स्टिक करेंगे नेल्स को तो वो अच्छे से फ्रिक्शन की वजह से स्टिक करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना कोई नहीं। और ये जो है ये इसकी मदद से हम अपने क्यूटिकल को पुश करेंगे। क्यूटिकल पुशर भी मार्केट में आता है बट मेरे पास अभी नहीं था, तो आप इसकी हेल्प से पुश करेंगे अपने क्यूटिकल को अच्छे से। और आप ध्यान से पुश करिएगा, अपने आप को हर्ट ना कर लीजिएगा। इसकी जो ये वाला पोर्शन होता है इसे प्लीज़ मत पुश करिएगा, ये बहुत थोड़ा सा शार्प होता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। सो आप इससे अच्छे से आप पीछे से पुल करेंगे अपने क्यूटिकल को, सारे क्यूटिकल को। उसके बाद एक वादी हर्बल्स का क्यूटिकल ऑयल आता है, ये वाला आपको 70 to 80 रुपीज़ में नायका पे मिल जाएगा। आप इसको अच्छे से अपने क्यूटिकल्स पे लगा लेंगे, इससे आपके क्यूटिकल्स जो थोड़े से ड्राई क्यूटिकल्स होंगे आपके नेल्स को बहुत अच्छा सा एक मैनिक्योर टाइप इफेक्ट दे देंगे। तो आप 10-15 मिनट बाद इसको अच्छे से मसाज करने के बाद इसको रख देंगे। फिर हम अपने जो फेक नेल्स होंगे उस फेक नेल्स में से हम अपने साइज के नेल्स पिक करेंगे। मीन जैसे हमारा थंब का साइज है तो हम उसमें 2-3 साइजेस दिए रहते हैं, तो आप अपने नेल्स पे रख के आप क्या कहते हैं एक अंदाज़ा ले लीजिएगा कि आपके नेल्स को कौन से फिट होते हैं। अगर आप थोड़े बहुत ऊपर लीजिए तो आप उसको सीधे से कट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए सारे नेल्स आप रख के चेक करके अपने नेल्स को साइड में कर लीजिएगा। और लेंथ अगर आपको छोटी चाहिए तो आप आराम से नेल कटर से कट कर सकते हैं। और अगर आपको लाइक राउंड शेप चाहिए, कॉफिन शेप चाहिए, तो उस पर अगर आप चाहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी कि आपको सीजर की हेल्प से वो शेप कैसे आप अचीव करेंगे। तो आप देखिए आप सारे नेल्स को अच्छे से रख रख के सारे नेल्स अलग कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सारे नेल्स को अपने इस पर देखिए, अब जैसे मैं अपने थंब पे रखी हूँ तो मैं इसकी लेंथ छोटी करूँगी। मतलब इतने बड़े नेल्स प्रैक्टिकल लाइफ में तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमको काम करने होते हैं तो हम इतने बड़े नेल्स नहीं रख सकते। तो इसको मैं अच्छे से हम नेल्स को कट करेंगे अपने, मतलब जैसे हमको चाहिए होगा। फिर हम ये सारे नेल्स को स्टिक कर लेंगे। आप ध्यान रखिएगा पहले आप अपने सारे नेल्स को अपनी साइज़ के हिसाब से कट करिएगा, देन आप पेस्ट करिएगा, देन आप नेल पेंट आप चूज़ कर सकते हैं। मैं आज थोड़े से ब्राउन कलर के साथ जाऊँगी। ये स्विस ब्यूटी का नेल पेंट है शेड 31, तो मैं इस नेल पेंट को आज यूज़ करूँगी। तो आप जो आपने नेल पेस्ट करा हुआ, मैं अभी आपको एक फिंगर पे करके दिखा रही हूँ, आप नेल पेंट अच्छे से अप्लाई करिए। इस पर आपको अगर बहुत अच्छा आपका नेल पेंट है तो मे भी एक कोट लग जाए, बट मुझे 2 कोट लगे। क्योंकि अगर आप, मतलब तो आप ये चाहते हैं ना इसको दो तीन कोट ही लगाइएगा, क्योंकि अगर आप ये नेल्स निकाल, मतलब आप निकाल देंगे तो अगर आप चाहेंगे तो आप दोबारा भी स्टिक कर सकते हैं। अगर आप 2-3 कोट लगाए रहेंगे तो ये जल्दी से, मतलब चिप ऑफ नहीं होगा, तो आप इसको 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इस पर 2-3 कोट लगाऊँगी। ये मैं अब दूसरा कोट लगाने जा रही हूँ। गाइस गर्ल्स, ये तो आप मतलब बॉयज़ का सही होता है ना, बॉयज़ मतलब क्या, कपड़ा पहना, बाल सेट किया, जूस पहने निकल गया। हम लोगों को नेल्स, हेयर, मेकअप, सब कुछ, मैनिक्योर, पेडिक्योर, सब कुछ अच्छे से देखना होता है। तो फिर इसके बाद आप देखिए मैंने ये एक नेल आर्ट पहले से करके रखा हुआ था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे स्टिक करना। आपको पीछे के साइड ग्लू लगाना और थंब पे रख के अच्छे से 1-2 सेकेंड के लिए प्रेस करना और वो पेस्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने 2-3 कोट नेल पेंट अपने नेल्स पे लगा लिए। अब मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए जैसे ये मैंने 1-2 नेल आर्ट कर लिए साइड साइड में गोल्डन टच, ये जैसे आप किसी वेडिंग वगैरह में जाए तो बहुत प्यारा लगता है। तो आप सबसे पहले जो आपने डबल कोट लगाई थी उसको टॉप कोट से सिक्योर करना पड़ता है। मीन्स अगर आप टॉप कोट से सिक्योर कर लेंगे तो आपकी जो नेल पेंट होगी वो थोड़ी सी और लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगी। तो आप सबसे पहले इसको टॉप कोट से अच्छे से सिक्योर कर लीजिए। ये टॉप कोट लगाने का ये भी फ़ायदा होता है कि आपके नेल्स में जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो फिर आप टॉप कोट लगाने के बाद आप लेंगे एक गोल्डन कलर की नेल पेंट। ये मेरी है स्टिक वर्क की, मैंने पर्पल की सेल से बाय किया था। हमेशा आप भी सेल से ही बाय करिए, क्योंकि भैया फुल प्राइस की ये वर्थ नहीं होते, 100 रुपये की नेल पेंट वर्थ नहीं है। तो आप इसको
क्या कहते हैं सेल से करेगा। तो देखिए सबसे पहले जो नेल्स के कॉर्नर होते हैं ना, आप उस कॉर्नर पे हल्का सा ब्रश ऐसे स्वाइप करेंगे, आप ऐसे ब्रश साइड से लेके जाएंगे ना, वो अपने आप एक छोटी सी ट्राइंगल बन जाएगी। तो सेम हम आपको सेम हमें एक इस साइड के नेल के कॉर्नर से करना है, एक इस साइड के नेल के कॉर्नर, हमें एक वी शेप मिल जाएगा और ये बहुत प्यारा लगता है। आप पहले एक वी शेप ले लीजिए, फिर आप उसको अच्छे से फिल कर लीजिए, मतलब अपने हिसाब से। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के करिएगा, हो जाएगा। बट एक दो बार करेंगे मे भी ना हो, हाँ तब कहाँ पे, बट हो जाएगा। ये मैं कैमरे पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी इतनी नीट नहीं हुआ है, बट विदाउट कैमरा एकदम परफेक्ट हो जाता है। अब देखिए मैं आपको ये दूसरे नेल से बड़ा करके दिखा रही हूँ। तो क्या करना है, साइड में अपने ये नेल पेंट के ब्रश को रखना है और साइड से ऐसे एक बार स्वाइप करना है, और सेम थिंग नेल्स के दूसरे कॉर्नर से करना है। तो साइड पे ब्रश रखना और एक बार ऐसे स्वाइप करना है, तो वो एक ऐसे टेढ़ी लाइन चली जाएगी ना, वो अपने आप ही एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो आप इस ट्राइंगल को अच्छे से नीटली फिल करिएगा और आपका नेल आर्ट एकदम रेडी हो जाएगा। आप एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा, ये बहुत प्रिटी लगता है। मे भी कैमरे पे उतना अच्छा ना लग रहा हो, बट आप अगर अप्लाई करेंगे ना गाइस, देखिए मैंने थंब भी करा था, बहुत अच्छा हुआ था। ये सब करने के बाद आप टॉप कोट से बिल्कुल सिक्योर करिएगा, वरना आपकी जो गोल्डन पेंट है वो सब निकल जाएगी। अच्छे से सिक्योर करने के बाद इसको ड्राई होने दीजिए, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, कसम से बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, देखिए कितना प्यारा लुक आया है। अगर आप ये ट्राई करिएगा तो प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा।